हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान। इसमें से टॉपिक है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में कहीं 8 नहीं दिया है, 22, 24, 23, 30 दिया है। तो या तो 22 सही होगा या तो 29, क्योंकि खोपड़ी में पूरा मिला करके जो स्कल है, स्कल पूछेगा तो आपका 29 या 22 सही रहेगा। और क्रेनियल पूछेगा यानी जिसमें केवल मस्तिष्क के ऊपर जो हड्डी होती है, तो उसमें केवल 8 होगा। तो यहाँ पे 22 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नहीं रहता, 29 रहता तो 29 सही हो जाता, क्योंकि पूरे खोपड़ी में दोस्तों कुल 29 हड्डियां हैं। 8 हमारे क्रेनियल यानी कि मस्तिष्क में, एंड 14 चेहरे में, एंड 6 कान में, और 1 कंठिका यानी हमारे कंठ के बीच होता है, हायर बोन उसको कहा जाता है। कुल 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में यानी फेशियल बोन की हड्डियां कितनी होती हैं। तो कितनी होती हैं, 14 होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के क्रेनियल में कितनी हड्डियां होती हैं। क्रेनियल बोन जो हमारी खोपड़ी होती है, जिसमें हमारा माथे से लेकर पीछे का भाग होता है, जिसके अंदर हमारी मस्तिष्क ब्रेन होता है, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पे क्रेनियल बोलेगा वहाँ सिर्फ उस खोपड़ी की बात हो रहा है जो मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर है, 8 हड्डियां। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहाँ स्थित होती है दोस्तों ह्यूमरस हड्डी। पैर में, कि सिर में, कि पंजों में, कि हाथ में, ऊपरी हिस्से में। तो यह ह्यूमरस हड्डी हाथ के ऊपरी हिस्से में, जो हम बाजू कहते हैं, वहीं पे हमारी ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है। हमारी अपर लिम की यानी ऊपरी भाग की सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है। जैसा कि आप सबको पता है, यह हाथ में कोहनी के नीचे अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है वह रेडियस होती है, और छोटी उंगली की तरफ जो होती है वह एल्ना होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पसलियां यानी थोरेक्स वर्टिब्रा होती हैं। तो दोस्तों, यह होती है 12 जोड़ी, जो हमारी पसलियां होती हैं, जिसके अंदर हमारे फेफड़े, हमारे हृदय सुरक्षित रहता है। तो यह होता है 12 जोड़ी। इस 12 जोड़ी में दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके बीच में उरोस्थी होता है यानी स्टर्नम, उसी से ये 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती हैं। इस 12 जोड़ी पसलियों में, इसको दो भागों में बांटा गया है, ट्रू रिप्स यानी कि असल पसलियां, फॉल्स रिप्स यानी कि बनावटी पसलियां। ट्रू रिप्स यानी असल पसलियां जो होती हैं वो 7 होती हैं, जो प्रत्येक अलग अलग उरोस्थी यानी कि स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। और जो फॉल्स रिब होती हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पसलियाँ जो होती हैं स्टर्नम से जुड़ने से पहले आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, तब उससे मिलती हैं एक स्थान पर। और इसके बाद जो 11वीं या 12वीं पसली होती हैं वह उरोस्थी से बिल्कुल नहीं जुड़ी रहती हैं, स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ी रहती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इसलिए 11वीं या 12वीं पसली को तैरने वाली पसली भी कहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों, पूछेगा कि ये 12 पसलियां किससे जुड़ी होती हैं। तो बीच में उरोस्थी होता है, एक मोटा सा हड्डी, उससे जुड़ी रहती हैं, जो कम से कम 17 सेंटीमीटर लंबा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कशेरुका में यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे रीढ़ की हड्डी में जो होती हैं वो कशेरुका होती हैं वह कुल 33 होती हैं, यानी बच्चों में 33, मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या बच्चों में 33 एंड वयस्कों में 26 होती हैं, जिसमें से इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि गर्दन की वर्टिब्रा जो 7 होती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है एटलस, जिसमें हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा सिर जो है, खोपड़ी सदा रहता है। एंड दूसरा भाग है आपका थोरेसिक यानी वक्ष, जिसमें 12 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। तीसरा भाग है कट यानी लंबर, जो कमर का वाला भाग है, उसमें 5 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। चौथा भाग है सेक्रल, जो 5 हड्डियां मिलकर एक बनती हैं। एंड पांचवा भाग है कॉक्सीजियल, जो 4 मिलकर एक बनती हैं। जिस प्रकार वयस्कों में 26 हड्डियां बचती हैं और बच्चों में 33 होती हैं, तो सर्वाइकल कशेरुका में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? 7, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, लंबर रीजन में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? तो 5 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किस हड्डी को कालर बोन कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारे सामने गर्दन के नीचे हौसली जिसे कहते हैं, हमारे स्टर्नम से निकला हुआ सीधे हमारे स्केपुला से जाकर जुड़ती है, यानी कंधे की हड्डी से पतला सा एकदम हसली के समान, हसिया के समान, तो उसको क्लेविकल कहते हैं, यह कालर बोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है? तो हमारे स्केपुला को यानी कि कंधे की जो हड्डी होती है, स्केपुला को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में बाल और साकेट जोड़ कितने होते हैं? तो दोस्तों हमारे कंधे की जोड़ और हमारे कुल्हे की जोड़, ये दोनों बाल एंड साकेट जोड़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाल और साकेट एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार हमारा यह बाल और साकेट की तरह जुड़ा रहता है, और सबसे ज्यादा डिसलोकेशन भी हमारे कंधे में और कुल्हे में ही होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो दोस्तों हमारे मानव शरीर में 3 प्रकार की संधियां होती हैं, चल, अर्धचल और चल। ठीक है, चल, अर्धचल और अचल, जिसमें से अचल में हमारी खोपड़ी की संधियां आ जाती हैं, एंड अर्धचल में हमारे रीढ़ की और हमारे रिब्स की हड्डियां आ जाती हैं, और चल संधियों में हमारे हाथ पैर गर्दन ये सब अस्थियां आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसको याद करने का आपका ट्रिक है DAS यानी कि दास, DAS यानी चल, अर्धचल और अचल। डी से हो जाएगा डायर्थ्रोसिस, जिसे चल संधि को कहा जाता है। ए से हो जाएगा अर्धचल एम्फियार्थ्रोसिस, यानी अर्धचल संधि को एम्फियार्थ्रोसिस बोला जाता है। यस से हो जाएगा साइनोथ्रोसिस, यानी कि अचल संधि को साइनोथ्रोसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला है कि अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो साइनोथ्रोसिस, DAS से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, अर्धचल संधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अर्धचल संधि को एम्फियार्थ्रोसिस और कार्टिलेजियस, इन दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एम्फियार्थ्रोसिस और कार्टिलेजियस, इन दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़, जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को यानी कि चल संधि को, किस नाम से जाना जाता है? तो DAS, डास, यानी कि डायर्थ्रोसिस, और यह हमारे हमेशा जोड़ों के पास रहता है, चलायमान रहता है, इसलिए जोड़ों पर साइनोवियल द्रव होता है, तो इसको साइनोवियल ज्वाइंट भी बोला जाता है चल संधि को। इसको साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायथ्रोसिस दोनों बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों।
नेक्स्ट है खोपड़ी की संधियों में कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों खोपड़ी की संधि अचल संधि में आती है जिसमें गति नहीं होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि जिसके सिग्नली मूवेंट ज्वाइंट्स का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों अर्धचल संधि में आपका आता है प्यूबिक सिंफेसिस। क्या आता है? प्यूबिक सिंफेसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो कूल्हे की टेल बोन के पास का जोड़ जो है कूल्हे का सबसे निचला हिस्सा होता है वो अर्धचल में आता है। नेक्स्ट है घुटने की संधि कौन सी संधि कहलाती है? दोस्तों घुटने की संधि जो है वो हमारे जोड़ों पर है साइनोवियल ज्वाइंट है यानी कि यह चल संधि कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है चल संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों चल संधि जो होती है 6 प्रकार की होती है। ठीक है। चल संधि जो है वह 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 6 प्रकार की होती है दोस्तों? जैसा कि इसमें होता है फिसलने वाला जोड़। पहला है फिसलने वाला जोड़ जिसे ग्लॉइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है जो दो हड्डियों के सतह दो हड्डियां दो चपटी सतह जिसमें जो दो हड्डियां एक चपटी सतह पर एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं खिसकती हैं जिसमें हमारा कार्पस यानी जो हमारी कलाई का हड्डी होता है एंड टार्सस जोड़। कार्पस और पैर के जो टखने का जो हड्डी होता है टार्सस। तो कार्पस और टार्सस जोड़ इसमें आता है फिसलने वाले ग्लाइडिंग ज्वाइंट में। दूसरा होता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के सिरे में फंसा रहता है सभी दिशाओं में इसमें गति होता है जैसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इसमें आता है। और तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा जोड़ भी बोला जाता है। इसमें एक तल में गति होती है जैसे एक दरवाजा एक तरफ खुलता है एक ही दिशा में उसी प्रकार जैसे कि हमारा नी ज्वाइंट यानी कि हमारा घुटने का जोड़ एंड एल्बो ज्वाइंट यानी कोहनी का जोड़ और उंगलियों का जोड़ व जबड़ों में ये पाया जाता है हिंज ज्वाइंट। एंड चौथा होता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जिसमें दो तलों में गति होती है घूर्णन नहीं होती है जैसे हमारा ब्रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़। एंड पांचवा होता है पिवट ज्वाइंट जो सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है जैसे एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है जैसे हमारे सिर की गति यानी गर्दन पर घूमता है सिर जो है गर्दन पर घूमता है। एंड रेडियस अल्ला हड्डी जो रेडियस अल्ला हड्डी के ऊपर सरकता है घूमता है जैसे कि प्रोनेशन सुपाइनेशन जैसी घूर्णन गति करते हैं। एंड छठा होता है सैडल ज्वाइंट जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है जो किसी भी दिशा व तल में गति करती है। इसमें हमारा अंगूठा का ज्वाइंट जो होता है जो अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संधियों में कितने प्रकार की गति होती है? तो दोस्तों संधियों में यानी कि ज्वाइंट्स मूवमेंट्स जो होता है संधियों की गति जो होता है वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट जो कार्पस और टार्सस ज्वाइंट में होती है। दूसरा है एंगुलर मूवमेंट जो हड्डियों यानी कोणीय गति जो हड्डियों के बीच कोण का घटना और बढ़ना होता है जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन गतियां होती हैं। तीसरा होता है रोटेटरी मूवमेंट जो हड्डियां जोड़ों के पास घूर्णन गति करती हैं। इसमें मल्टीपल प्रकार के जोड़ कार्य करते हैं जैसे कि इसमें इनवर्सन इवर्सन सुपाइनेशन प्रोनेशन इलेवेशन डिप्रेशन प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन आदि होते हैं। चौथा होता है सर्कमडक्शन मोमेंट जो रोटेटरी एंड एंगुलर मोमेंट एक साथ दोनों होता है दोनों का मिश्रण होता है उसको सर्कमडक्शन मोमेंट कहते हैं। इन सभी मोमेंट के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ दोस्तों। इस प्रकार ज्वाइंट्स मोमेंट जो होता है 4 प्रकार का होता है। वहीं पे पूछेगा कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो वो 3 प्रकार की चल अचल अर्धचल। नेक्स्ट है मानव शरीर में पीवट जोड़ यानी पीवट ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पीवट ज्वाइंट यानी कि जो सिर्फ रोटेशन मूवमेंट करता है और एक हड्डी की सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है तो इसमें आता है हमारा गर्दन का जोड़ तथा हाथ में रेडियस अल्ना का जोड़ जिसमें सुपाइनेशन प्रोनेशन मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कलाई यानी कि ब्रिस्ट में कौन सी ज्वाइंट पाया जाता है दोस्तों? तो एक कलाई पूछा है तो कलाई में आपका ये दोनों तल में गति कर सकता है यानी ब्रिस्ट ज्वाइंट आपका हो जाएगा कॉन्डिलाइट ज्वाइंट।
नेक्स्ट है कार्पस एवं टार्सस हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो दोस्तों इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है, जो हड्डियों की चपटी सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट यानी संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक यानी टिश्यू को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यू को हम कहते हैं लिगामेंट। एंड दोस्तों वहीं पे पूछेगा कि मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां जो होती हैं अस्थियों से किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? तो टेंडन के द्वारा। और दो हड्डियां जोड़ों पर कैसे जुड़ती हैं? तो लिगामेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है संधि यानी ज्वाइंट में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वहां पे उपास्थि यानी कार्टिलेज गद्दे जैसा चढ़ा रहता है, उसको कार्टिलेज बोला जाता है यानी कि उपास्थि। नेक्स्ट है ज्वाइंट यानी संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो दोस्तों संधियों में साइनोवियल द्रव भरा रहता है जो हमारे हड्डियों को लुब्रिकेट प्रदान करता है, हड्डियां एक दूसरे से खींचती नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, वो कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी जांघ की फीमर, ठीक है, इसको उर्वास्थि भी बोला जाता है, और 48 सेंटीमीटर यह लंबा होता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, वो कहाँ पे होती है? दोस्तों जैसा आपको सबको पता है यह होता है हमारे कान में, स्टेपस हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। जैसा कि हमारे कान में तीन हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसे याद करने का ट्रिक है MIS, यानी कि यम से मैलिस, आई से इनिकस, एस से स्टेपस। नेक्स्ट है दोस्तों अपर लिंब की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? अपर लिंब जिसमें हमारे दोनों हाथ एंड कंधे और हँसुली यानी कि कल्केनम आता है, जिसमें कुल 64 हड्डियां होती हैं अपर लिंब में, और लोअर लिंब में हमारे दोनों पैर और हिप आते हैं जिसमें 62 हड्डियां होती हैं। कुल मिलाकर के अपर लिंब लोअर लिंब में 126 हड्डियां होती हैं। तो अपर लिंब पूछा है, तो अपर लिंब जिसमें हमारे दोनों हाथ कंधे और हँसुली आ जाएंगे, तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो ह्यूमरस होती है, जो हमारे बांह की हड्डी होती है जो हमारे कंधे या कोहनी तक का भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? जैसा कि आप सबको पता है टिबिया फिबुला हमारे पैर में पाई जाती है, वहीं पर रेडियस अल्ना पूछेगा तो हमारे हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट है संधि यानी ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ज्वाइंट के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है एंड ज्वाइंट के अध्ययन को आर्थोलॉजी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आप सबको पता है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पे मानव शरीर में पूछेगा तो 33 हो जाएगा, वहीं पे वयस्क और बच्चों करके पूछेगा तो बच्चों में 33 हो जाएगा, वयस्क में 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्केनम हड्डी कहाँ स्थित होती है? जैसा कि आप सबको पता है यह कहाँ पे कल्केनम हड्डी है? तो दोस्तों ये कल्केनम हड्डी जो होती है यह टार्सस जो 7 हड्डियां हमारे टखने में पाई जाती हैं उसमें से सबसे बड़ी हड्डी है कल्केनम, जो हमारी एड़ी वाली हड्डी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नम कहाँ स्थित होती है? जैसा कि दोस्तों मैं बता चुकी हूँ कि स्टर्नम जो है हमारी छाती में स्थित होती है, जिससे हमारी पसलियां जुड़ी रहती हैं 12 जोड़ी दोनों तरफ। नेक्स्ट है दांतों के उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों दांतों को उनके आकार के रूप में 4 भागों में बांटा गया है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। नेक्स्ट है दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों दांतों के ऊपरी परत को इनेमल बोला जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट है संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती तो है? दोस्तों संधियों द्वारा 4 प्रकार की कोणीय गति होती है यानी एंगुलर मूवमेंट। कौन कौन से? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन,
एडक्शन, ठीक है। वही पे पूछेगा कि संधियों में कितने मूवमेंट यानी गतियां होती है, तो संधियों की गतियां चार होती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट यानी कि कोणीय गति, तीसरा रोटेटरी मूवमेंट यानी कि रोटेशन मूवमेंट, घूर्णन गति, और चौथा है सर्कमडक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंज ज्वाइंट कौन सा है? हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा संधि बोला जाता है, यह हमारे कोहनी में होती है। इस ऑप्शन में कोहनी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डिलाइट ज्वाइंट कौन सा है? तो कलाई, जो दोनों तरह में गति होती है वो कॉर्डिलाइट ज्वाइंट होती है। नेक्स्ट है, जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घूर्णनीय गति दोनों होती है, तो जिसमें कोणीय घूर्णनीय रोटेटरी और एंगुलर दोनों गति होगा, तो उसमें आपका होगा सर्कमडक्शन। कौन सा होगा? सर्कमडक्शन। नेक्स्ट है, सूचर जोड़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों सूचर जोड़ जो होता है वह खोपड़ी का जोड़, जो अचल संधि होता है उसको सूचर जोड़ बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पेग एंड साकेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों दांत के जोड़ को पेग एंड साकेट ज्वाइंट कहते हैं, यह भी अचल संधि में आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस होंगे जो अस्थि संस्थान से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।